अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल रिजवान खान में कुछ आमदेद। तो व्यूअर्स, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस चैनल में आपके लिए डिफरेंट टॉपिक पर मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। तो व्यूअर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो जो अपलोड की थी वो गोल्डन फ्लावर ऑन फिश के एक पेयर के बारे में थी, जिसमें मैंने उनके साथ एक एलिफेंट नोज फिश का पेयर मूव होते हुए भी आपको वीडियो में दिखाया था। तो मेरे पास बहुत सी जो है मैसेज आए हैं जिसमें मुझे कहा गया कि आप एलिफेंट नोज फिश के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएं और उसकी बेसिक मालूमात दें। तो आप ये देख ही रहे होंगे, ये फ़िश अपने का नाम एलिफेंट नोज फिश क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जो है नोज़ एलिफेंट के ट्रंक की तरह होती है। ये एक लेस एग्रेसिव फिश है और आप इसके साथ वो फिश रख सकते हैं जो लेस एग्रेसिव हो, आप इसके साथ अरवानवा भी रख सकते हैं। ये अफ्रीकन फ्रेश वाटर फिश है और आप इसकी जो दुम में थिन पोर्शन देख रहे हैं ये वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल छोड़ती है, जिससे ये है ना अपने एनवायरनमेंट में अपना प्रे अपनी फूड तलाश कर सकती है, क्योंकि इसकी आईसाइट वीक होती है। इस आईसाइट वीक होने के बावजूद भी ये कम लाइट में भी ये देख लेती है और ये जो है बहुत ही खूबसूरत फिश है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी है, ये पेयर कितना हेल्दी मूव कर रहा है। अगर आपके पास 2 फीट का एक्वेरियम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 या 2 पेयर रख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत और प्लेफुल फिश है। आप देख रहे होंगे कि ये पेयर जो है कितनी खूबसूरती से एक्वेरियम में मूव कर रहा है और खेल रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।